मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु की शांति हो। आज का जो वचन हम देखने वाले हैं वो है डैनियल की पुस्तिका उसका पहला अध्याय और आठवीं आयत, जिसमें कहते हैं कि डैनियल राजा के उत्तम भोजन और दाक मधु को ग्रहण करना नहीं चाहता था। डैनियल नहीं चाहता था कि वह उस भोजन और उस दाक मधु से अपने आप को अशुद्ध कर ले। सो उसने इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध होने से बचाने के लिए अशपनस से विनंती करी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि डैनियल जो होता है वो तो बेबीलोन के बंदीवास में होता है। वहाँ वो एक तरह से बंदीवान होता है, पर वहाँ के राजा जो अच्छे पुरुष थे उनको तैयार करना चाहता था खुद की सेवा के लिए, जिसकी वजह से डैनियल को भी एक ट्रेनिंग मिल रही थी। और उस ट्रेनिंग के पार्ट में जो वहाँ का कारभारी था वो चाहता था कि सब लोग जो खाना राजा खाता है उस तरह का खाना सब लोग खाए, पर डैनियल ने यहाँ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस खाने से और उस दाक मधु से खुद को अशुद्ध करे। वो खुद को हमेशा अपने परमेश्वर के लिए जो वचन परमेश्वर ने उसको दिए है उस वचन के हिसाब से उस खाने को नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वो खाना मूर्ति पूजकों द्वारा बनाया हुआ खाना था और मूर्ति पूजक लोग अपने खाने को मूर्तियों के आगे समर्पित करने के बाद खाते थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि मूर्ति पूजा किया हुआ खाना डैनियल नहीं खाना चाहता था। और जो दाक मधु वहाँ बनता था वो कोई आम दाक मधु नहीं था, परंतु जो नशे वाला दाक मधु होता है उस तरह का दाक मधु था, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर जो उसका खुदा है उसके कहे हिसाब से जो अशुद्ध प्राणी होते थे उसका भी खाना वहाँ पे बनता था और वो उस तरह के प्राणियों का मांस खाना नहीं चाहता था। क्योंकि राजा तो एक मूर्ति पूजक राजा था और वो किसी पशुओं में इस तरह का भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के बारे में जानता नहीं था। इसीलिए डैनियल ने ये कहा कि मैं खुद को इस खाने से अपवित्र नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा, पर मैं अलग खाना खाऊंगा। डैनियल ने क्या किया कि वो आम सब्जी खाता था और सब्जी और फल उसने पसंद किए खुद के लिए। वो डरा नहीं कि मैं दूसरों के जैसे खाना नहीं खाऊंगा तो निर्बल हो जाऊंगा, या मैं खुद इतना डेवलप नहीं हो पाऊंगा, या मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा, पर अपने आप के डेवलपमेंट से ज्यादा उसने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया। वो डरा नहीं कि अगर मैं मना करूंगा तो मुझको निकाल दिया जाएगा, या मुझे सजा दी जाएगी, या फिर मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पराये देश में था, वो तो वहाँ पे कैदी था, वो वहाँ के राजा का बेटा नहीं था कि वो हर खाने को मना कर पाए या अपनी पसंद का खाना खा पाए। पर उसने हिम्मत दिखाई और वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ज्यादा जरूरी था। अपने आप के डेवलपमेंट से ज्यादा और अपनी पसंदगी से ज्यादा वो खुदा को पसंद करता था। इतना ही नहीं, यहाँ हम क्या देखते हैं, जो बेबीलोन तो क्या है, बेबीलोन है आज का जमाने का ख्याल जो इंसानों ने बनाया है, और इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि आज जो बहुत सारे चर्चेज अपने ख्याल के हिसाब से हर रोज विश्वासी लोगों को भटका रहे हैं, उन चर्चेस को भी, क्योंकि कई चर्चेस ऐसे होते हैं कि जो अपने खुद का अलग नियम होता है जिनका, और जो परमेश्वर के नियम को अधीन नहीं होता है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाया गया है और इंसान उसको हैंडल करते हैं, तो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ कर अलग से नियम अपने खुद के लिए बना देते। परंतु यहाँ डैनियल को हम देखते हैं तो डैनियल किसी भी चीज से डरा नहीं, अकेला था। जब पहले चैप्टर में हम देखते हैं तो डैनियल अकेला था, अकेले होने से भी वो डरा नहीं, ना ही उसको ऐसा लगा कि अगर मैं मार दिया जाऊंगा तो मेरा आगे क्या होगा, या उसने मना कर दिया तो आगे क्या होगा, परंतु डैनियल परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। इतना ही नहीं, आज जो जगत है और जो कहलाने वाले चर्चेज है उसमें बहुत होता है मिलने के लिए, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, बहुत सारी लोग हमें सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो बहुत पावरफुल लोगों का ग्रुप होता है, और जगत होता है जिसमें हमें सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है और बहुत सारी सहूलियत होती है। पर डैनियल ने ये नहीं देखा, पर वो खुद खड़ा रहा। उसको देख के तीन मित्र भी खड़े हुए। आज हर चर्चेज में इस तरह के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये गलत है, पर खुद खड़े नहीं हो सकते, या उनको डर होता है अकेले खड़े रहने का। पर आज हमें डैनियल की जरूरत है जो खड़ा हो और जो दूसरों को भी साथ में खड़ा कर पाए। हम वो डैनियल बनना चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए खड़े रहे। परमेश्वर हमें वो हिम्मत देगा, हम खुद नहीं हो सकते खड़े, चाहे सामने कितना भी बड़ा क्राउड हो, चाहे कितना भी बड़ा वर्ल्ड हो, चाहे कितनी भी शक्तिशाली फोर्स हमारे सामने खड़ी हो, पर जब हम खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। आज कई ऐसी चीजें होती है जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होती है। आज हम लोग 10 आज्ञाएं नहीं तोड़ते, पर उसमें से कई बारीक चीजें हम परमेश्वर को मना कर देते। आज कई ऐसे ख्याल होते हैं कि ये तो पुरानी चीजें हैं और हमें अब
हमें इसको फॉलो नहीं करनी चाहिए। पर परमेश्वर हमारा कभी पुराना हो सकता है? या उसकी बातें कभी पुरानी हो सकती है? क्या परमेश्वर ने नियम को चेंज कर दिया है? जिस बातों को परमेश्वर ने चेंज किया वो तो नियम शास्त्र था, पर डैनियल के टाइम पे अभी वो चेंज नहीं हुआ था क्योंकि नया नियम अभी आया नहीं था। आज हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको समझाते हैं कि परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना जरूरी नहीं है, या छोटी छोटी आज्ञाओं को तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं, और हर चीज को मानना ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो उस समय के हिसाब से लिखा गया था। पर परमेश्वर का कोई भी वचन आज तक बदला नहीं है। क्या एक पिता अपने बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन करता है कि वो केवल बड़ी बड़ी चीजें ही माने और छोटी चीजों को नजरअंदाज करने दे? क्या हम अपने बच्चे को ऐसा बोलते हैं कभी, बच्चे खून मत करना, बच्चे चोरी मत करना, या बच्चे मूर्ति पूजा मत करना? क्योंकि बच्चा वो तो करने वाला है ही नहीं। पर जिस तरह से हम जगत में रहते हैं तो बहुत बारीक बारीक चीजें हम ध्यान रखते हैं। इवन हम ट्रैफिक के रूल्स याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं। वो पेनल्टी से बचने के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। हम दिन भर कहीं खून नहीं करते, दिन भर कहीं चोरी नहीं करते, पर वो बिल्कुल बारीक सा रूल, हेलमेट पहनना है, व्हीकल पे ट्रिपल्स में नहीं जाना है, और वो टैक्स भरना है, हर एक छोटी बात हम नजरअंदाज नहीं करते, वो सब कुछ याद रखते हैं, हम उस सभी कानूनों को फॉलो करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो सारी ही गवर्नमेंट से बढ़कर है, तो उनके हर कानून को हम कैसे फॉलो नहीं कर सकते? हम नया जन्म पाए उसके बाद हमें सब कुछ मिल गया, परंतु हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहते। हमें परमेश्वर का और डेडिकेशन से उनका साथ देना है। तो अब तो हम और उनके बच्चे हो गए, तो जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे हमें मानना है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे से कि वो हर एक बात हमारी माने और तभी हम खुश होते हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें माने और बाकी की बातों को नजरअंदाज कर दे, हमें मना कर दे, तब हम खुश नहीं होते। या हमारा बच्चा हमें लाके गिफ्ट दे और हमारी हर बात को, या जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं उस बात को हमारा बच्चा मना कर दे, तो हम क्या गिफ्ट से खुश हो जाएंगे और हमारी बात को वो नहीं मानता, उसका दुख हमें नहीं होगा? आज हम भी संडे को चर्च जाते हैं, बाइबल रीड करते हैं हर सुबह, और अपनी प्रेयर कर लेते हैं, और 15-20 मिनट का समय हम दे देते हैं, उससे क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहे और जो बारीक बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई है वो हम फॉलो करें? नया नियम क्या कहता है कि अगर तुम्हारी नजर में या तुम्हारे मन में किसी के प्रति पाप होता है तो वो भी पाप है। हमें वो पाप खुद से करना नहीं पड़ता, हमारी नजरों को साफ रखना है, हमारी जबान को साफ रखना है, हमारे हर चाल चलन को हमें साफ रखना है। इस जगत के अंदर हम घुस नहीं सकते, जिस तरह से जगत कर रहा है उस तरह का हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि जगत में बहुत सारे अट्रैक्शन है, बहुत सारी कामयाबी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अमीर बना सकती है या बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे उपयोग में आ सकती है, पर सारी चीजें हमें नहीं करनी है। जब शैतान ने प्रभु यीशु का परीक्षण किया तो शैतान ने सारी चीजें ऐसी बताई कि जो खुदा के वचन में लिखी गई है, पर प्रभु यीशु ने उस चीजों को माना नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो शैतान का चाल था, तो शैतान का बरमावा था। हमें शैतान की बातों को मानना नहीं है, पर परमेश्वर का मन क्या कहता है उन्हीं चीजों को मानना है। आज कई लोग हमारे आसपास होते हैं जो वचन का सहारा रख के परमेश्वर के लोगों को गुमराह करते, पर हमें परमेश्वर का दिल क्या कहता होगा यही सोच के आगे बढ़ना है। आज हमें डैनियल बनना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला, चाहे कितनी भी फोर्स हमारे सामने हो, पर जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो हमारे साथ और भी विश्वासी भाई हमारे साथ आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। परमेश्वर ऐसा प्रभु नहीं है कि जो ज्यादा लोग देख के अपना नियम चेंज कर ले। परमेश्वर वो प्रभु है कि जो मन की सच्चाई को जान के वो हमारे साथ खड़ा होता है। और जब हमने नया जन्म पाए थे तो हमने यही सोचा था कि हम परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, हम परमेश्वर की देह है, हम परमेश्वर के वॉरियर्स है, हम हीरो है परमेश्वर के। पर जैसे जैसे जगत में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे कई चीजें ऐसी होती है कि जो हम चला लेते, जगत के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम जहाँ पढ़ाई कर रहे होते वहाँ पे, हमारे दोस्तों के साथ, हम जहाँ पे काम कर रहे उस जगह पे, हमारे घर के आसपास, हम कई चीजों के साथ जगत से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, हम वो हीरो नहीं रह पाते, हम कायर हो जाते। परमेश्वर के लिए खड़ा होना तो एक हीरो का काम, कायर नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि आप एक तरफ होते हो और पूरा जगत आपके सामने होता, पर आपके पीछे बल्कि आपके आगे परमेश्वर खड़े होते, क्योंकि लड़ाई तो परमेश्वर लड़ते हैं, आपको केवल उसके लिए खड़ा रहना होता। हम जगत में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें करने से हम बहुत आगे जा सकते हैं या प्रभु की सेवा और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, पर कुछ चीजें उसमें गलत होती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी बातों में बस एक काम करें, हम परमेश्वर के चरणों में बस झुक जाए, उनसे रास्ता मांगे, उनसे कहे कि हम खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहते, हमें शुद्धि का रास्ता बताए, और जो सही रास्ता होगा परमेश्वर हमें बताएंगे। परमेश्वर का मन ऐसे समय में क्या बात बताए, यही सोचे बस, सही रास्ता दिखाने वाला हमारा प्रभु है, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीव प्रभु यीशु है। आइए प्रार्थना करें।
ऐ हमारे परमेश्वर, आपके अद्भुत वचनों के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ऐसे हीरोज दिए हमारे जीवनों में जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि आपके साथ चलना क्या चीज है। हमें वो ताकत दे प्रभु कि डैनियल की तरह हम आपके लिए खड़े हो पाए। हमें वो मन दे कि हम आपके लोगों को अपने साथ खड़े रह पाए। हमें हर परीक्षणों से, हर जगत के आकर्षणों से, हर ऐसी बुलाने वाली चीजों से, इस जगत से, जगत के चर्चेस से प्रभु आप हमें स्पष्ट समझ दे कि हमें क्या करना। हम जगत के साथ, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं जीना चाहते, बल्कि हम आपके लिए अलग खड़े होना चाहते। आप हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।